आप लोग थोड़ा साइड हो जाएगा, प्लीज साइड प्लीज साइड। तो किला की बात करें तो ये एक लड़की है, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, दिमाग से दिल से भी, और इतनी ही ज़्यादा अपने मुल्क से जुड़ी हुई है। और ये एक लड़की है जो एक बिगड़े हुए अमीर बंदे को सुधारने की कोशिश में लगी है। थोड़ा ज़्यादा बाहर ना, बाहर ना, बाहर ना से बात कर जी। नहीं, मैंने ऋषि के साथ पहले बात, थोड़ा बाहर ना। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि हर फिल्म यही उम्मीद से बनती है कि थोड़ी अच्छी चले, मतलब हर फिल्म अपने आप में रिस्क होती है उसके फर्स्ट फेज में, और बाद में ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि हमको फिल्म अच्छी लगी एंड देन सक्सेस उस पर डिपेंड करता है। सो द थिंग इज के ये एक अगेन लाइक मैंने जितनी भी फिल्म की थी, जय वो भी एक रिस्क था, इस कैमरे का फेस देखिए, कैमरा भी दिख रहा है। हमेशा पता नहीं होता है कि फिल्म आगे जाके कितना बिजनेस करेगी या लोगों को कितनी अच्छी लगेगी। सो अभी इट्स टू सून फॉर मी टू से अबाउट सक्सेस। भाई साहब वहाँ से हटो ना आप वहाँ से। मतलब आप लोग थोड़ा साइड साइड होंगे, अंदर मत आओ। राम जो है वो लड़की का नाम है, रतन जो है वो लड़की का नाम है, तो इसलिए नाम रखा गया है राम रतन, क्योंकि जो पूरी फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है वो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाया गया। मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फिल्म कर रही हूँ जो कि फरवरी में स्टार्ट होगी, क्योंकि वो फिल्म पूरी नॉर्थ में शूट करने वाले हैं, और बेसिकली अमरनाथ साइड। तो जो ये फेज जो होता है अक्टूबर से लेकर जनवरी, अमरनाथ जो है वो बंद होता है, तो जैसे अमरनाथ की यात्रा खुल जाएगी तो हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। एंड इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, आई लव द स्टोरी, बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड फिल्म है वो, और एक मैसेज है वो फिल्म के अंदर जो कि बहुत प्यारा मैसेज है। इसकी मोस्टली गुजराती लोग हैं, तो कहने के गुजराती फैमिली दिखाई फिल्म के अंदर, गुजराती फैमिली आ रहे हैं। मैडम थोड़ा लाइट फिल्म से रुक दीजिए, गणपति कितने देख रहे हैं अभी तक आप? मैंने अभी तक 11 गणपति विजिट कर चुके हैं। थैंक यू।